वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पर। आज सुबह जो क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से जो है ये क्लास को मैं दोबारा करवा रहा हूँ। आधी क्लास तो अच्छी थी, बट यहाँ से ये जो पोर्शन है, यहाँ से वो क्लास जो है थोड़ी सी उसमें टेक्निकल इशू आ गया। चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? हीमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, हीमेटोलॉजी और इम्यून सिस्टम पढ़ रहे थे अपन। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, तो अबाउट 80% ऑफ टोटल ब्लड सेल्स आर टी सेल्स। जो 80% सेल होती है, 80% जो सेल होती है वो टी सेल होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, टी सेल प्रोबेबली ओरिजिनेट होती है स्टेम सेल से। टी सेल स्टेम सेल से ओरिजिनेट होती है बोन मैरो के अंदर। द थाइमस ग्लैंड कंट्रोल करती है मैच्योरिटी एंड इन द प्रोसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक सेल आर प्रोड्यूस। कि जो लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक सेल प्रोड्यूस होती है, उसके प्रोसेस को, उसकी मैच्योरिटी को कंट्रोल करने का काम करती है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट अपन देखना चाहेंगे कि देयर आर थ्री मेन टाइप। इसमें तीन मेन टाइप होते हैं टी सेल में। टी सेल तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? किलर सेल, टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल। चलिए इनकी बात करेंगे अपन तीनों की। टी सबसे पहले किलर टी सेल। किलर का मतलब ही होता है मारना। तो टी किलर सेल जो होती है वो बाइंड होगी सरफेस से और इनवेडिंग, इनवेड मतलब कि अंदर की तरफ घुस जाएगी सेल एंड डिस्टर्ब कर देगी उसको, मेम्ब्रेन को। किसको? मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगी, ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी एंड डेस्ट्रॉय कर देगी। इट अल्टरनेटिंग इन इंटरनल एनवायरनमेंट। ये इंटरनल एनवायरनमेंट में जाकर क्या करेगी? इनवेड होकर डिस्टर्ब करेगी मेम्ब्रेन को और डेस्ट्रॉय कर देगी। टी हेल्पर सेल क्या करेगी? टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट करेगी बी सेल को टू मैच्योर इनटू प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में मैच्योर होने के लिए एंड विच बिगिन टू सिंथेसाइज एंड सिक्रेटिन, सिंथेसाइज एंड सिक्रेटिन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन विद नोन एज एंटी बॉडी एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं सप्रेसर के बारे में। सप्रेसर सप्रेस करे, टी सेल जो होती है वो क्या करेगी? सप्रेस करेगी, रिड्यूस द ह्यूमरल रेस्पॉन्स को। सेल रिड्यूस करेगी, सप्रेस करेगी, दबा देगी इसको, ह्यूमरल रेस्पॉन्स को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अपने बी बी सेल एक्ट इन डिफरेंट वे फ्रॉम। जो बी सेल है वो एक्ट होती है डिफरेंट, बी सेल एक्ट कार्य करती है डिफरेंट वे में फ्रॉम टी सेल टू रिकॉग्नाइज, पहचानना एंड डिस्ट्रॉय करना किसको? एंटीजन को। ये बी सेल क्या करेगी? ये क्या काम करती है? ये क्या करेगी? विभिन्न विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से टी सेल को पहचानेगी और एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगी। टी सेल टू रिकॉग्नाइज एंड डेस्ट्रॉय करेगी एंटीजन्स को, एंटीजन को डेस्ट्रॉय कर देगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपने अपनी बात करते हैं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों? ये बी सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल एंड इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, बी सेल ओरिजिनेट द बोन मैरो। बोन मैरो से ओरिजिनेट होती है एंड मैच्योर इनटू प्लाज्मा। प्लाज्मा सेल में क्या होती है? मैच्योर हो जाती है। प्लाज्मा सेल में क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। चलिए बात करते हैं आगे का सेशन देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे का सेशन को। कंटिन्यू करते हुए चलते हैं दोस्तों। बी सेल ओरिजिनेट द बोन मैरो एंड मैच्योर इनटू प्लाज्मा सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। एंटीबॉडी जो है वो बैक्टीरिया और वायरस को डेस्ट्रॉय करती है। देयर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंटरिंग द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल को एंटर कर जाती है होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट, फाइव मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पांच मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको आप भी जानते होंगे गैम्ट के नाम से। तो कैसे फाइव मेजर कौन कौन सी है? आईजीजी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होती है वो मेकअप अबाउट 80% ऑफ प्लाज्मा एंटीबॉडी। 80% ऑफ प्लाज्मा एंटीबॉडी अपियर इन ऑल बॉडी फ्लूड्स, अपियर इन ऑल बॉडी फ्लूड्स एंड इट्स द मेजर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल एंटीबॉडी। क्या है? मेजर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एंटीबॉडी होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो होती है, आईजीएम जो होती है
फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स, ये सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। देखिए M4 मोटा, मोटा लड़ने के लिए सबसे पहले जाएगा, मोटा जाएगा उसके पीछे IgG जाएगी, तो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होती है ये कैसी, ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट डिफेंस करेगी, सबसे पहले ये डिफेंस करेगी, फर्स्ट लाइन डिफेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कि इट इज टू लार्ज और टू इजली क्रॉस मेम्ब्रेन, ये इजली जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, एंड यूजली प्रेजेंट ओनली इन द वेस्कुलर सिस्टम में ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेनली किस में पाई जाती है, बॉडी सिक्रेशंस में, जैसे कि सेलाइवा के अंदर, स्वीट स्वीट के अंदर, स्वेट के अंदर बोले तो पसीने में, टीयर्स में, आंसू के अंदर, म्यूकस के अंदर और बाइल के अंदर, कोलेस्ट्रोम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि जो आईजीए जो है, सॉरी आईजीए जो है वो किस में पाई जाती है, कोलेस्ट्रम में, कोलेस्ट्रम में पाई जाती है, साथ में ही ये ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क में भी पाई जाती है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एंड कोलेस्ट्रम एंड डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजन, पैथोजन से ये क्या डिफेंस करने का काम करती है, पैथोजन से डिफेंस करती है बॉडी सरफेस, एंड स्पेशली तोज एंटर द रेस्पायरेटरी एंड जीआई ट्रैक में, ये रेस्पायरेटरी और जीआई ट्रैक में एंटर कर जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी आईजीडी की। सबसे पहले आईजीडी की बात करेंगे तो आईजीडी जो है, आईजीडी रिप्रेजेंट इन प्लाज्मा स्पेशली ब्रोकन डाउन इज द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी ऑन द सरफेस एंड बी सेल्स मेनली एंटीजन रिसेप्टर। नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होती है, आईजीई जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन इमीडिएट हाइपर, इमीडिएट क्या क्या रे, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर ये डेवलप होती है विद इन विद इन मिनट के अंदर, विद इन मिनट में ये क्या हो जाती है, एक्सपोजर के विद इन मिनट में एंटीजन आ जाता है, एंटीजन आ जा एंटीजन के आने के विद इन मिनट में एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी बन जाती है, ये एंटीबॉडी बन जाती है कौन सी, आईजीई। नेक्स्ट इम्यून फंक्शन डिक्लाइन विद एज, इम्यून फंक्शन जो है वो एज के साथ क्या होता है, कम होता जाता है, डिक्लाइन होता जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे डिमिनिश्ड इम्यून फंक्शन, जब इम्यून फंक्शन कम होता है, डिमिनिश्ड बोले तो डिमिनिश्ड का मतलब होता है डिक्रीज होना, इन द एल्डरली, एल्डरली के अंदर कैन इंटरफेयर विद एबिलिटी, कैन इंटरफेयर एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, टू फाइट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इन्फ्लामेशन और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स को डिटेक्ट करता है, डिटेक्टेड एंटीजन। आपको बता दूं अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मल है क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब अपनी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने के चांस बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं एलर्जी, आर जो एलर्जी होती है, एलर्जी आर हाइटेंड रेस्पॉन्स होता है एंटीजन से, टू एंटीजन हाइटेंड रेस्पॉन्स होता है एंटीजन से। नेक्स्ट बात करेंगे ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स इज वन इन विच द इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम फॉर्म, क्या ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स इज वन इन द विच द इम्यून सिस्टम फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द बॉडी ओवर टिश्यू एंड रिजल्टिंग इन डिजीज,
रिजल्टिंग इन डिजीज। नेक्स्ट, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बी सेल्स। एंटीबॉडी जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बी सेल। क्या एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बी सेल। नेक्स्ट, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल हैव नॉट बी शो टू द फैक्टर इन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी। जो जेनेटिक और एनवायरमेंटल होते हैं हैव नॉट बीन शो नहीं करते टू बी फैक्टर इन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के अंदर जो है ये एनवायरमेंट जो है जेनेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर जो है वो शो नहीं करते अपने सिम्टम्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेगेटिव। अब ये है नेगेटिव ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए नेगेटिव एचआईवी टेस्ट है, एचआईवी टेस्ट क्या है, नेगेटिव है तो इसका मतलब एंटीबॉडी वेयर नोट इन द क्लाइंट ब्लड। एंटीबॉडी अब्सेंट है, एंटीबॉडी अब्सेंट रहेगी बिल्कुल। और अगर एचआईवी पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव है तो वहां पर आपको एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी आपको वहां पर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबॉडी टू ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी में टेक 3 वीक। कितना समय लेती है, 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का, और इससे भी ज़्यादा टाइम ले सकती है डेवलप होने के लिए। इंसिडेंस रेट इज द रैपिडिटी विद विच इंडिविजुअल्स विदाउट ए डिजीज कॉन्ट्रैक्ट इट। नेक्स्ट, सर्वाइवल इज प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स अफेक्ट बाई ए डिजीज हु लिव फॉर पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। नेक्स्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट होगा उसका आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अच्छे से। द रिस्क ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट ए डिजीज हु डेवलप द डिजीज विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इस डिजीज का डेवलप होना बिना किसी इंडिविजुअल के प्रपोर्शन के। नेक्स्ट, इन द कम्युनिटी हेल्थ एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डेफिनेशन ऑफ डिजीज प्रीविलेंस। अब प्रीविलेंस की बात करें यहाँ पर तो प्रीविलेंस, चलिए प्रीविलेंस देख लेते हैं। प्रीविलेंस क्या होता है, ओल्ड प्लस न्यू केस होते हैं वो प्रीविलेंस में काउंट होते हैं, ओल्ड प्लस न्यू केस। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टेड बाई पर्टिकुलर डिजीज एट द स्पेसिफिक टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ब्लड बैंक रिकमेंडेड द ब्लड कंपोनेंट शुड बी ट्रांसफ्यूज कितने, विद इन फोर आवर के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन स्टिपुलेट दैट हेल्थ केयर वर्कर हु एंटीसिपेट कमिंग इन टू द कॉन्टैक्ट विद ए क्लाइंट ब्लड और बॉडी फ्लूड मस्ट बियर ग्लोव। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसके ऐसा एच आई वी हुआ या एड्स हुआ, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है तो अपने को उसकी केयर करने से पहले क्या ब्लड और बॉडी फ्लूड से बच के रहने के लिए ग्लोव पहनने जरूरी है, वियर ग्लोव मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, डायग्नोज फाइंडिंग डिक्रीज लेवल ऑफ ऑल सेलुलर एलिमेंट ब्लड लाइक पेनसाइटोपिनिया। मतलब पेनसाइटोपिनिया का क्या मतलब होता है भाई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, इस कॉल्ड पेनसाइटोपिनिया। और इसमें भी यही होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बोन मैरो के अंदर जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। रीड स्टनबर्ग सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना कि रीड स्टनबर्ग सेल्स एंड लिम्फ नोड जो होते हैं लार्ज होना, ये किसमें होते हैं, होजकिंग डिजीज में होते हैं। होजकिंग डिजीज के अंदर रीड स्टनबर्ग सेल और लिम्फ नोड में एलार्जमेंट देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीज द लेवल ऑफ, नेक्स्ट देखेंगे अपना क्या, डिक्रीज द लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट आर कंसिस्टेंट इन द डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। चलिए ये क्वेश्चन बन गया, मैंने अभी ऊपर समझाया जो आपको, टू पीपल्स विद बीटा थैलेसीमिया ट्रेट 25% चांस होंगे उसको हैविंग ए चाइल्ड विद थैलेसीमिया होने के, 25% चांस होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है
बीटा थैलेसीमिया जो होता है कैसा डिसऑर्डर होता है भैया? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। बीट थैलेसीमिया क्या होगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थैलेसीमिया आकर्ष प्राइमरी इटालियन, ग्रीक, अफ्रीकन, एशियन, मिडिल ईस्टर्न और ईस्ट इंडिया एंड कैरिबियन डिसेंट इसमें देखने को मिलता है मोस्टली। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्लाइंट विद सीवियर एब्डोमिनल पेन, अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है ये हिस्ट्री ऑफ सिकल सेल एनीमिया की, ये किसकी हिस्ट्री है भाई? सिकल सेल एनीमिया की हिस्ट्री है, सिकल सेल एनीमिया की। इसमें क्या होता है सिकल सेल में? एक्यूट एब्डोमिनल पेन, सिकल सेल क्राइसिस कॉज्ड बाय सिकलिंग इन द मेसेंट्रिक सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। ये जो पोर्शन था सुबह भी हो गया था लेकिन इस पर वॉइस नहीं आ रही थी, उसमें कोई ना कोई टेक्निकल इशू था, लेकिन मैं इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ। न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया में क्या होता है? एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल जो होती है उसका लेवल, उसका काउंट क्या होता है? बिलो 1000 पर माइक्रोलीटर हो जाता है। और सीवियर रिस्क होता है इन्फेक्शन का, सीवियर रिस्क होता है किसका दोस्तों? इन्फेक्शन का जो है वो सीवियर रिस्क देखने को इसमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और पोर्शन बताया जिसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा पोर्शन और है इसको भी अपन कंप्लीट करके चलते हैं। चलिए आप सभी से निवेदन है कि आप बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बात करते हैं अब, चलिए हीमोफीलिया ए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हीमोफीलिया ए जो है वो किससे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हीमोफीलिया ए होता है। नेक्स्ट बात करें, सिकल सेल डिजीज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। सिकल सेल में क्या होता है? सिकल सेल में क्या होता है दोस्तों? ग्लूटामेट की जगह है वेलिन आ जाता है, ग्लूटामेट की जगह क्या रिप्लेस? वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रिसमस की, क्रिसमस डिजीज आल्सो कॉल्ड हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी जो कौन से फैक्टर से भाई? नाइन्थ फैक्टर से। ओहो हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइन्थ क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्या होगा? हीमोफीलिया बी होगा। और एट्थ फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्या होगा? सिकल सॉरी हीमोफीलिया ए होगा, और नाइन्थ से हीमोफीलिया बी होगा। चलिए डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन और प्लेटलेट क्लोटिंग फैक्टर्स आर कंज्यूम्ड रिजल्टिंग इन माइक्रोथ्रोम्बी एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। नेक्स्ट द लेबोरेटरी फाइंडिंग मोस्ट कंसिस्टेंट विद डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन इज लो प्लेटलेट काउंट, इसमें क्या होता है? प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के दौरान। फॉर ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के लिए ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में अकर्स एज सेल डिस्ट्रक्शन रिलीज इंट्रासेलुलर कंपोनेंट रिजल्टिंग इन हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर यूरिसेमिया बोले तो यूरिन के साथ ब्लड पास होता है। पीपल विद डी एंटीजन हैव आरएच पॉजिटिव ब्लड टाइप, और पीपल लेकिंग डी एंटीजन हैव आरएच, डी एंटीजन नहीं है तो आरएच नेगेटिव होगा, क्या होगा? आरएच नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, इट्स इंपॉर्टेंट दैट पर्सन विद आरएच नेगेटिव ब्लड रिसीव आरएच नेगेटिव, क्या? इट्स इंपॉर्टेंट दैट पर्सन विद आरएच नेगेटिव है ब्लड रिसीव करेगा, किसका? आरएच नेगेटिव का ही। इफ अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड एडमिनिस्टर कर दिया आरएच नेगेटिव को, पर्सन को, तो क्या होगा? डेवलप हो जाएगी एंटी आरएच एग्लूटिनिन, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन विद आरएच पॉजिटिव ब्लड टू आरएच नेगेटिव पर्सन मे कॉज सीरियस रिएक्शन क्लंपिंग विद क्लंपिंग एंड हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट पॉइंट, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, अरे ALL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया किसमें भाई? चिल्ड्रन में देखने को मिलता है क्या?
एक्यूट लिम्फोसाइट मोस्ट कॉमनली यंग चिल्ड्रन, बिल्कुल यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, एंड इन एडल्ट एज 65 और ओल्डर इट्स मोर कॉमन व्हाइट एंड ब्लैक एशियंस में ये देखने को मिलता है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमन तो चिल्ड्रन में होता है, मोस्ट कॉमन किसमें होता है, चिल्ड्रन में होता है, मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन, आपको कैसा लगा जरूर बताना, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल, नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली सुबह, डेली मॉर्निंग में 10 AM 10 बजे आपको क्या मिलती है, आपको सुबह डेली सुबह 10 बजे आपको मिलती है एनक्लेक्स आरएन, एनक्लेक्स आरएन नोरसेट 2023 की स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास मिलती है, स्पेशल क्लास मिलती है, डेली मिलती है आपको ये, और मिलती रहेगी। आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन पूरी करें। अभी तक अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया है, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, हिमेटोलॉजी कंप्लीट हो गई है, हिमेटोलॉजी कंप्लीट हो गई है, और इम्यून सिस्टम कंप्लीट हो गया है। क्या इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ये अपने क्या हो गए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों अपन ने। अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कल से, ये क्या अपने कंप्लीटेड हो चुके हैं। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहेगी। इसको अपन एक या दो पार्ट में कर देंगे, दो पार्ट के अंदर कंप्लीट कर देंगे इसको अपन। कितने, दो पार्ट के अंदर, इसमें पार्ट कितने होंगे, फर्स्ट और सेकंड, दो पार्ट में इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी जो है सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को, और लाइक जरूर करें वीडियो को। मेरी मेहनत को लाइक करोगे तो आपके लिए और बढ़िया लेकर आऊंगा चीज, और बढ़िया चीज लेकर आऊंगा आपके लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को, और आपको ऑन बोर्ड क्लास मिलती रहेगी, ऑन बोर्ड आपको, सॉरी ऑन बोर्ड आपको क्लासेज जो है मिलती रहेगी, जिसका टाइमिंग 7:30 PM रहता है। डेली जरूरी नहीं है लेकिन आपको मिलेगी जरूर। आज की क्लास तो मिल चुकी होगी आपको, अभी ये क्लास देखिए आप, देन इसके बाद आपको सुबह 10 बजे मिलेगी क्लास, सुबह 10 बजे आपको क्लास 100%, सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलेगी 10 AM पर, डेली की तरह। चलिए आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, और आई होप आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।